आप सबको मेरा नमस्कार। सीबीएसई ने टर्म वन से जस्ट पहले प्रैक्टिस क्वेश्चंस 2021-22 के लिए जारी किया हुआ है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसने दिए हुए हैं। तो हम लोग क्लास 10 सोशल साइंस कोड 0871 के ऊपर अभी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं सीबीएसई ने जारी किए हुए हैं ऑथराइज्ड और ऑफिशियल, उसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग बिल्कुल इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन जो है आने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो चलिए क्वेश्चन वन देखते हैं। हुई सेट ऑफ सिम्बॉल्स ऑफ नेशनलिज्म ऑफ यूरोप एंड देयर सिग्निफिकेंस इज इनकरेक्टली पेयर्ड। किसमें से जो नेशनलिज्म के सिम्बॉल हैं यूरोप में और उनका जो सिग्निफिकेंस है वो इनकरेक्टली पेयर्ड कौन सा है? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये बोल रहा है इनकरेक्टली, याद रखिएगा। तो ऑप्शन पी है, इसमें सिम्बॉल है लिबर्टी और सिग्निफिकेंस है रेड केप और ब्रोकन चेन। ये दोनों तो बिल्कुल सिग्निफाइड हैं क्योंकि लिबर्टी जो है उसका जो सिम्बॉल था रेड केप था और ब्रोकन चेन था। क्यू है जस्टिस है ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स, ये जो अंधा कानून वाली जो महिला होती है जिसमें उसके आँख में पट्टी बंधा रहता है और हाथ में तराजू रहता है, तो बिल्कुल यही जस्टिस को या न्याय को बताता है। आर जो है हीरोइज्मा द ट्राई कलर, तो देखिए हीरोइज्मा का जो सिंगल है ना वो द ट्राई कलर नहीं होता, तो यही जो है इनकरेक्टली पेयर्ड है। और एस जो है रेडीनेस टू फाइट स्वॉर्ड, तो जो तैयारी होता है फाइट करने के लिए उसका सिम्बॉल तलवार या स्वॉर्ड होता है, तो बिल्कुल करेक्टली पेयर्ड है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आर। अब क्वेश्चन नंबर टू है, इसमें मोस्ट कंजर्वेटिव रिजीम सेटअप इन 1815 इम्पोज्ड सेंसरशिप लॉस। तो उस समय जो यूरोप में जो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव रिजीम्स थे उन्होंने इम्पोज किया सेंसरशिप लॉ को 1815 में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड दे वांट टू कंट्रोल थ्रू सच लॉस, कि लोग क्या कंट्रोल करना चाहते थे? पी व्हाट वाज रिटन अबाउट देम, कि उनके लिए क्या लिखा जाता था बिल्कुल इसको कंट्रोल करना चाहते थे, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यू द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर मॉडर्नाइजिंग द आर्मी, तो ये तो नहीं था उसमें कि वो लोग मॉडर्नाइजिंग करना चाहते थे आर्मी को, ये ऑप्शन नहीं होगा। आर है द स्प्रेड ऑफ आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम रिफ्लेक्टेड इन द न्यूज़पेपर्स, तो लोग चाहते थे कि जो लिबर्टी और फ्रीडम है इसके जो विचार हैं आइडिया हैं वो ज़्यादा स्प्रेड ना हो, तो इसको कंट्रोल करना चाहते थे, ये भी सही है, आर भी सही होगा। एस है द स्प्रेड ऑफ द आइडिया दैट मॉडर्नाइजेशन कुड स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, तो जो मॉडर्नाइजेशन है वो कभी भी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन या मजबूत नहीं करता है, तो ऑप्शन ए गलत होगा। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पी ओनली पी एंड आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री नंबर। व्हेन फ्रांसिस निजेज मेटर्निक वंस रिमार्क्ड द रेस्ट ऑफ यूरोप केस इज कोल्ड, कि जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरा का पूरा यूरोप को सर्दी लग जाता है। व्हाट डिड ड्यूक मेटर्निक मीन बाई दिस स्टेटमेंट, तो जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे ड्यूक मेटर्निक उनका मतलब इस स्टेटमेंट से कैसा था? तो उनका मतलब था कि जब भी फ्रांस में कोई भी एक्टिविटी होता है, कोई भी नेशनलिज्म के मूवमेंट होते हैं, रिवोल्यूशन होता है, तो उससे क्या होता है यूरोप के बाकी नेशंस भी उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा कि फ्रांस नेशनलिस्ट मूवमेंट इंस्पायर्ड अदर नेशंस। आर में देखिए बोलता है वाई वाज अ कस्टम यूनियन आर जोलवेरिन फार्म्ड बाई प्रूसिया एंड मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स इन 1834, तो उस समय क्या होता था रशिया में और जर्मनी में कि जो कोई भी गुड्स और सर्विस एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता था गुड्स और कैपिटल, तो उसके लिए बहुत सारे बैरियर बने हुए थे, हर बैरियर पे टैक्स लगता था जिससे जो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल है वो काफ़ी ज़्यादा जटिल और कठिन हो गया था। तो इसको दूर करने के लिए और ये जो इंस्ट्रक्शंस थे इसको हटाने के लिए उन्होंने ये जोलवेरिन बनाया हुआ था। इसका ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए में बोलता है टू एबोलिश स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। क्वेश्चन फोर है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ फीचर ऑफ इंडिया पोसेसेस द हाईएस्ट रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, तो इसमें से कौन सा रिलीफ फीचर जो है ना उसके पास हाईएस्ट रिजर्व है मिनरल और फॉसिल फ्यूल का? तो हमको मालूम है झारखंड का बेल्ट है, झारखंड उड़ीसा ये सब उसी में आते हैं, तो इसका डी हो जाएगा छोटा नागपुर प्लेटू। क्वेश्चन फाइव है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। झारखंड छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स, कि झारखंड छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पास बहुत सारा मिनरल है। अरुणाचल प्रदेश है डिपेंडेंट वाटर रिसोर्सेज बट लैक्स इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। राजस्थान इंडोर्ड विथ सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक्स वाटर रिसोर्सेज। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख हैज रिच कल्चरल हेरिटेज बट इट इज डिफिशियंट इन वाटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो देखिए इसमें भारत की पूरे 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 भारत के ज्योग्राफी को और उसके जो रिसोर्सेज हैं और जो प्रॉब्लम है उसको बताया है कि अरुणाचल प्रदेश में जैसे वाटर काफ़ी ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी है लेकिन वाटर नहीं है,
लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है, रिच है कल्चरल हेरिटेज में, लेकिन वहाँ पे वाटर और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द पैसेज, इसमें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा बता रहा है? ये बता रहा है कि इंडिया हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि भारत में जो है ना बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। किस मामले में? कि रिसोर्सेज कैसे अवेलेबल हैं, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी हैं ऑल रीजन्स इन इंडिया आर इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशियंट टू यूटिलाइज रिसोर्सेज, कि सभी रीजन भारत के सेल्फ सफिशियंट हैं इकोनॉमिकली रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए, तो गलत है। बी है ओनली राजस्थान हैज़ द स्कोप टू यूटिलाइज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो भी गलत है। रिसोर्सेज डाइवर्सिटी इज प्रिवेलेंट ओनली नॉर्थ इंडिया, कि नॉर्थ इंडिया में ही रिसोर्सेज डाइवर्सिटी नहीं है, वो साउथ इंडिया में भी है, ईस्ट और वेस्ट इंडिया में भी है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देयर आर टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो मार्क्ड एज असर्शन ए एंड रीजन आर, रीड द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन ए, रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, तो रिसोर्स प्लानिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बिल्कुल सही है, बहुत ही जटिल होता है। अगर अच्छे से आप रिसोर्स प्लानिंग करोगे तो आप उसमें आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। रीजन आर है, रिसोर्स प्लानिंग हेल्प्स इन इफेक्टिव एंड जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, तो रिसोर्स प्लानिंग से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव यूज होता है और काफ़ी ज़्यादा न्यायपूर्ण रिसोर्सों को हम यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट उससे ले सकते हैं, तो रीजन भी करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे रीजन जो है ना वो एसर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, बोथ एंड आर ट्रू एंड बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। क्वेश्चन 7 है, हु आर इन एलिजिबल टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन इंडिया, इंडिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कौन वोट नहीं दे सकते? तो ऑप्शन ए बोलता है मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स असेंबलीज, तो जो मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, ये लोग वोट दे सकते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा बोलता है कि मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो जो मेंबर होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ये वोट नहीं दे सकते, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वोट नहीं दे सकते काउंसिल वाले, असेंबली वाले दे सकते हैं, राज्यसभा दे सकते हैं और लोकसभा के मेंबर दे सकते हैं। क्वेश्चन 8 है, एवरीथिंग वुड कम टू एन एंड इफ द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर्स ऑफ गवर्नमेंट वेयर टू बी एक्सरसाइज बाई द सेम पर्सन और अथॉरिटी, ये हर चीज़ वहाँ पे ख़त्म हो जाता है जब लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर जो है ना गवर्नमेंट का एक ही व्यक्ति के द्वारा, एक ही अथॉरिटी के द्वारा यूज किया जाता है। ये मॉन्टेस्क्यू फ्रेंच जूरिस्ट का एक स्टेटमेंट है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कोट, कि कौन सा इसमें से बेस्ट एक्सप्लेनेशन है इस कोट का। तो मॉन्टेग्यू का कहना था कि अगर एक व्यक्ति जो है लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर को यूज़ करेगा तो पूरी की पूरी डेमोक्रेसी जो है ना वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कि सेपरेशन ऑफ पावर से नीडेड टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, कि सेपरेशन ऑफ पावर से डेमोक्रेसी जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे आ चुके हैं, बी है पी है इसमें कि पावर शेयरिंग कैन बी वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल, तो पावर शेयरिंग जो है वर्टिकल हो सकता है और साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। क्यों है, आर रिलीजियस कम्युनिटीज हैव रिजर्व सीट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया, तो भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट में रिजर्वेशन जो है ना रिलीजन के ऊपर नहीं है, इसका क्यू जो है वो गलत है। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर ट्रू, तो इसमें से स्टेटमेंट ट्रू कौन सा है, तो ऑप्शन ए है ओनली बी। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, गिवन बिलो इज द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू फिक्शनल कंट्रीज ईच विद अ पॉपुलेशन ऑफ 5 पर्संस, विच ऑफ देम वुड हैव अ वाइड गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, कि नीचे में दिया गया है दो फिक्शनल या काल्पनिक देश हैं जिसमें से 5 व्यक्ति का पॉपुलेशन है और उनमें जो है हम लोगों को चेक करना है कि जो रिच और पुअर के बीच में गैप है वो कितना है। तो देखिए कंट्री पी में पर्सन ए जो है 9,500 कमा रहा है, पर्सन टू 10,500 कमा रहा है, तो यहाँ पे 1,000 का डिफरेंस है, और यहाँ पे देखिए पर्सन थ्री जो है ना 9,800 कमा रहा है, तो यहाँ पे 700 का डिस्टेंस है, और यहाँ पे ये पर्सन फोर तो 10,000 कमा रहा है, तो यहाँ पे 200 का डिस्टेंस है। लेकिन क्यू में देखिए, क्यू में यहाँ पे 100 का डिफरेंस है खाली 100 का, यहाँ पे जो है 100 का है और यहाँ पे भी 100 का है, तो क्यू जो है ना बहुत ही ज़्यादा इक्विटेबल है एज कंपेयर पर कैपिटा इनकम में। तो बोलता है कि वुड हैव वाइड गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, तो इसमें पी होगा, जो ज़्यादा गैप है वो रिच और पुअर के बीच में कंट्री पी में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा कंट्री पी। क्वेश्चन 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक गुड, तो इसमें से पब्लिक गुड कौन सा नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी तो है, एजुकेशन भी है, हेल्थ केयर भी है, लेकिन स्टेशनरी एक पब्लिक गुड नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन 12 देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, तो जीडीपी क्या होता है, देखिए द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज एडेड अप फॉर ऑल द 3 सेक्टर्स फॉर 1 ईयर, कि तीनों सेक्टर माने प्राइमरी टर्सरी सेकेंडरी सेक्टर जो हैं एक साल में जो फाइनल गुड्स और सर्विस एड करते हैं
किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में, तो उसको बोलते हैं हम लोग जीडीपी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, और ये जो बाकी ऑप्शन है ये करेक्टली नहीं है। क्वेश्चन 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डिपेंडेंसी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर ऑन द टर्सरी सेक्टर। तो इसमें से प्राइमरी सेक्टर का टर्सरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंसी वाला एग्जाम्पल कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन सी, यहाँ पे ऑप्शन सी बोलता है कि डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोड्यूसर्स सफर्ड अ लॉस व्हेन द शॉप्स वेंट ऑन स्ट्राइक। तो जब दुकान हड़ताल पे चले जाते हैं, तो दुकान टर्सरी सेक्टर में है, तो लॉस किसको होता है? डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स को होता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है ना, ये एक एग्जाम्पल है डिपेंडेंसी ऑफ प्राइमरी सेक्टर का टर्सरी सेक्टर के ऊपर। और ये देखिए, उबर मेड लेस मनी बिकॉज द शॉप्स डिड नॉट वॉन्ट टू सेल हैंडलूम प्रोडक्ट्स, तो ये नहीं है उसका। द बैंक एम्प्लाइज कुड नॉट रीच ऑन टाइम ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन स्ट्राइक, ये भी नहीं है क्योंकि बैंक एम्प्लाई तो टर्सरी सेक्टर में है। उसके बाद डी है, फार्मर सफर्ड अ लॉस व्हेन देयर वाज नॉट इनफ वाटर टू ग्रो कॉटन, तो ये भी जो है इसका एग्जाम्पल नहीं है। अब 14 नंबर देखिए, बोलता है ऑब्जर्व द ग्राफ बिलो। तो यहाँ पे देखिए जीडीपी का कंपेरिजन है, या शेयर है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में। तो अब ध्यान से देखेंगे 1973-74 में लगभग प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी और टर्सरी का इक्वल कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, लेकिन 13-14 तक क्या हुआ है कि प्राइमरी सेक्टर कम हो गया है। यहाँ पे देखिए प्राइमरी सेक्टर इतना है, सेकेंडरी सेक्टर भी कम है, लेकिन जो टर्सरी सेक्टर है ना उसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गया है, यही पता चल रहा है इस ग्राफ से। अब क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन्स द ग्राफ। तो कौन से स्टेटमेंट जो है ना बेस्ट है इस ग्राफ के मामले में? तो ऑप्शन ए बोलता है द प्रोडक्शन इन ऑल द थ्री सेक्टर्स हैज़ डिक्रीज्ड एंड इट हैज़ डिक्रीज्ड इन द मोस्ट इन द प्राइमरी सेक्टर। तो यहाँ पे डिक्रीज तो हो ही नहीं रहा है, कम हो ही नहीं रहा है, तो गलत हो गया फर्स्ट ऑप्शन। बी है, द प्रोडक्शन इन ऑल द थ्री सेक्टर्स हैज़ इंक्रीज्ड एंड इट हैज़ इंक्रीज द मोस्ट इन द प्राइमरी सेक्टर। तो इंक्रीज तो हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्राइमरी में नहीं टर्सरी सेक्टर में इंक्रीज हुआ है। तो ऑप्शन सी देखते हैं, द प्रोडक्शन इन ऑल द थ्री सेक्टर्स हैज़ इंक्रीज्ड एंड इट हैज़ इंक्रीज द मोस्ट इन द टर्सरी सेक्टर। यही सही है कि जो प्रोडक्शन है सभी में इंक्रीज हुआ है, और सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है टर्सरी सेक्टर में। और डी बोलता है कि द प्रोडक्शन इन ऑल द थ्री सेक्टर्स हैज़ इंक्रीज्ड एंड ऑल द थ्री सेक्टर्स हैव सिमिलर ग्रोथ। सिमिलर ग्रोथ तो नहीं है, अलग अलग है, तो इसका ऑप्शन डी भी गलत होगा। क्वेश्चन 15 है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन 15-19 बेस्ड ऑन इट। अब इस पैसेज को पढ़ना है और क्वेश्चन 15-19 को सॉल्व करना है। नेशनलिज्म अलाइंड विथ इंपीरियलिज्म लेड यूरोप टू डाइजेस्टर इन 1914, कि जो नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद इंपीरियलिज्म के साथ में जुड़ा हुआ था, या कॉलोनाइजेशन के ना साथ में जुड़ा हुआ था, वो जो है ना यूरोप को बर्बाद किया 1914 में। बट मीन वाइल मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड दैट हैज बीन कॉलोनाइज बाई द यूरोपियन पावर्स इन द 19th सेंचुरी बिगेन टू अपोज इंपीरियल डोमिनेशन। तो बहुत सारे देश जो कि 19th सेंचुरी में कॉलोनी बनाए गए थे यूरोपियन पावर के द्वारा, उन्होंने ये जो इंपीरियलिज्म है इसका विरोध करना शुरू किया। द एंटी इंपीरियल मोमेंट्स दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वेयर नेशनलिस्ट इन द सेंस दैट दे आर स्ट्रगल्ड टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स एंड वेयर इंस्पायर्ड बाई अ सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल आइडेंटिटी यूनिटी फॉर्ज्ड इन कन्फ्रंटेशन विथ इंपीरियलिज्म यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वेयर नाउ वेयर रेप्लिकेटेड फॉर पीपल एवरी वेयर डेवलप्ड देयर ओन स्पेसिफिक वेराइटी ऑफ नेशनलिज्म बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन टू नेशन स्टेट्स केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। तो क्या हुआ देखिए, वहाँ पे जो एंटी इंपीरियल मूवमेंट डेवलप हो रहे थे, तो उनके पीछे में रीजन था नेशनलिज्म का। नेशनलिज्म की जो भावना थी, जिसके कारण एक कॉमन इंडिपेंडेंट नेशन के लिए सारे के सारे जो कंट्रीज कॉलोनाइज्ड कंट्री थे वो स्ट्रगल कर रहे थे, और एक सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल आइडेंटिटी उनके बीच में फोर्ज हो रहा था इंपीरियलिज्म के कारण ही। और यूरोपियन जो विचार था नेशनलिज्म का, वो हर जगह अब दिख रहा था, रिप्लिकेट हो रहा था। लोग सोच रहे थे कि इसको हम अपने तरीके से अपने कंट्री में कैसे यूज करें। सबकी स्पेसिफिक वेराइटी था नेशनलिज्म का। अरे जो आइडिया था, इसमें सोसाइटी जो है ना ऑर्गेनाइज हो रहे थे नेशन स्टेट के रूप में, और उसको माना गया कि नेशन स्टेट ही एक नेचुरल और यूनिवर्सल एक्सेप्टेड गवर्नेंस का मेथड है, या उस समय का नेशन है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलाइंस विद द रोमांटिक आइडियाज ऑफ क्रिएटिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स एमंग दीज द पीपल। इनमें से कौन सा जो है एलाइन करता है रोमांटिक आइडिया के साथ में, जिसके कारण लोगों के मन में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट पैदा होता है? तो ये ऑप्शन ए है इसमें, पॉपुलराइजिंग द लोकल फोक टेल्स सॉन्ग्स एंड प्लेस, कि जो लोकल फोक टेल्स होते हैं है ना, माने ग्रामीण जो कथाएं होती हैं, जो गाने होते हैं, जो नाटक होते हैं, उनको पॉपुलराइज करना। तो बिल्कुल यही है, इससे क्या होता है कि लोगों में के मन में एक सेंस ऑफ कॉमन बिलोंगिंग, एक सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी आता है,
इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वी एम्फिसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन, तो ये तो नहीं होता, नेशनलिज्म का अगेंस्ट है ये, कि जिसमें हम इम्पोर्टेंस करें टेरिटोरियल एक्सपेंशन को। ग्लोरीफाइंग द डेवलपमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी नहीं है कि ग्लोरीफाई करें साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को। डी है क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बाई सेटिंग अप फैक्ट्रीज, तो ये भी नहीं है। क्वेश्चन 16 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट 20th सेंचुरी यूरोपियन पावर्स इज डेफिनेटली ट्रू, तो कौन सा जो है ना स्टेटमेंट इसमें 20th सेंचुरी यूरोपियन पावर के लिए एकदम सही है। ए दे वर इन्वॉल्व इन द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये तो नहीं है, गलत है। बी दे वर एक्टिवली वर्किंग फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो ऐसा नहीं कि यूरोपियन पावर लोग यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए काम कर रहे थे, ये भी गलत है। सी है दे वर ऑल वर्किंग टुगेदर टू इन द फ्रेंच रिवोल्यूशन, तो सभी फ्रेंच रिवोल्यूशन को खत्म करने के लिए काम कर रहे थे, ये भी नहीं है। डी देखिए दे वर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में, क्योंकि हर कोई चाहता था कि उसका जो डोमिनेंस है उसका जो टेरिटरी है वो बढ़ता रहे, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 17 है, व्हाई डिड द एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट्स इमर्ज, जो एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट थे वो क्यों पैदा हुए। उनका एकमात्र कारण था कि वो कॉलोनाइजेशन का विरोध करना चाहते थे, तो इसका ऑप्शन ए होगा, टू अपोज कॉलोनाइजेशन। बी बोलता है टू रेसिस्ट यूरोपियन कल्चर, तो यूरोपियन कल्चर से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो नहीं होगा। टू डिफीट द इंपीरियल पावर्स इन द लोकल इलेक्शंस, तो हर समय तो इलेक्शन होते ही नहीं थे, तो भी नहीं होगा। डी है टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ट्रेड विद यूरोपियन नेशंस, तो लोग ट्रेड का भी विरोध नहीं करते थे, तो भी नहीं होगा। क्वेश्चन 18 है, व्हाट लेड टू द कोलेप्स ऑफ यूरोप इन 1914, 1914 में यूरोप के कोलेप्स होने का क्या कारण था। मेन कारण था कि यूरोप में उस समय सभी देश एक दूसरे के टेरिटरी को बढ़ाने के लिए लड़ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, द इंटरनल स्ट्रगल अमंगस्ट नेशंस टू एक्सपेंड देयर टेरिटरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें 19 देखिए, ऑब्जर्व द मैप गिवन बिलो व्हिच वाज यूज्ड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी टू डिस्प्ले द पावर ऑफ ब्रिटेन, तो इस मैप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पता चल रहा है कि जो ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन का पावर जो है ना नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है ना, अफ्रीका और एशिया, ये सब तरफ इसका और ऑस्ट्रेलिया तक इसका फैला हुआ है, ठीक है, और सभी प्रकार के लोग इसके अंडर में आते थे। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैप मोस्ट लाइकली अबाउट, तो इस मैप में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि इसमें सेलिब्रेट किया जा रहा है कि जो ब्रिटिश रूल है ना, वो पूरी की पूरी दुनिया में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में फैला हुआ है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश रूल ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं, तो ये पैसेज बेस्ड है जिसमें 20 से 24 तक के क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है। पोलिटिकल लेजिटिमेसी राइजिंग फ्राम एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन ग्रास रूट्स गवर्नेंस इज रिगार्डेड एज अ लिटमस टेस्ट फॉर डेमोक्रेसी। अब ये जो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी होता है एक्टिव पार्टिसिपेशन का लोगों का ग्रास रूट गवर्नेंस में, वही तो डेमोक्रेसी है एक्चुअल देखा जाए तो, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डेमोक्रेसी का लिटमस टेस्ट बोला जाता है। ऑन अप्रैल 24, 1993 इंडिया टू का डिसाइसिव स्टेप इन मीटिंग दैट ऑब्जेक्टिव, और अप्रैल 24, 1993 को इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया ताकि ये जो ऑब्जेक्टिव है उद्देश्य पूरा हो। जब पंचायती राज एक्ट कन्फर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस PRIS, और ये जो एक्ट था पंचायती राज एक्ट था। दो, देयर वर लॉन्ग डिबेट्स ऑन लोकल लेवल डेमोक्रेसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इन इट्स फर्स्ट 42 ईयर्स रिपब्लिक्स कॉन्स्टिट्यूशन रिपोज द ट्रस्ट इन द 2-tier फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ये जो डिबेट था लोकल लेवल गवर्नमेंट का या पंचायती राज का, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी हुआ था लेकिन उसको फॉर्मलाइज नहीं किया जा सका। और फर्स्ट जो 42 ईयर थे हमारे रिपब्लिक के, उन्होंने ट्रस्ट किया 2-tier ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर। PRIS जो हैं या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं फाउंड अब मेंशन ओनली इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनको केवल एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल के रूप में लिखा गया था स्टेट पॉलिसी में। द पंचायती राज एक्ट नॉट ओनली इंस्टीट्यूशनलाइज PRIS एज द मैंडेटरी 3rd tier ऑफ गवर्नेंस, इट ट्रांसफॉर्म्ड द डायनेमिक्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट बाई गिविंग अ से टू अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल सिग्निफिकेंटली वुमेन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर लोकेलिटीज। अभी पंचायती राज से क्या हुआ कि जो गांव की महिलाएं थीं उनको काफ़ी ज़्यादा महत्व मिला और उनको ज़्यादा मौका मिला कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में अपने लोकेलिटीज में पार्टिसिपेट कर सकें। ईयर द चर्न प्रेसिपिटेड बाई द एक्ट हैज लार्जली रिमेंड अनएक्सप्रेस्ड इन नेशनल लेवल पॉलिटिक्स, इनका जो पार्टिसिपेशन था नेशनल लेवल पॉलिटिक्स पे है ना, वो अभी तक एक्सप्रेस नहीं हो पाया है। देयर आर वेरी फ्यू चैनल्स दैट कनेक्ट द ग्रास रूट्स लीडर टू द पॉलिटिक्स एट हायर लेवल्स, और बहुत ही कम ऐसे चैनल हैं जो ग्रास रूट के लीडर को पॉलिटिक्स में हायर लेवल पे ले जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं,
Why is the active involvement of people in grassroots governance regarded as a decisive test for a democracy such as India? तो इंडिया में ऐसा क्यों माना जाता है कि ग्रास रूट जो गवर्नेंस है वो एक डिसाइसिव टेस्ट है डेमोक्रेसी का, जिसमें पीपल का इन्वॉल्वमेंट होता है? तो इसका मेन रीज़न ऐसा है कि ऑप्शन ए देखते हैं, इट हेल्प्स इन द मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू द कंट्रीज स्मॉलेस्ट पॉलिटिकल यूनिट इन डिसीजन मेकिंग। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है लोगों के मोबिलाइजेशन को जो कंट्री की स्मॉलेस्ट पॉलिटिकल यूनिट मतलब ग्राम पंचायत और जो नगर निगम से बिलोंग करते हैं, ताकि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 21 देखते हैं, हाउ डिड द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस गेट पॉलिटिकल लेजिटिमेसी? तो जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उसको पॉलिटिकल लेजिटिमेसी कैसे मिला? तो उनको मिला है बाय गेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने के बाद इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया? इसमें से डिसेंट्रलाइजेशन को डिस्क्राइब करने वाला कौन सा स्टेटमेंट है? ते है ऑप्शन सी है इसका, कि टेकिंग सम पावर्स फ्रॉम द सेंटर एंड द स्टेट एंड गिविंग देम टू द लोकल गवर्नमेंट। कि जो पावर पहले सेंटर के पास थे कुछ और जो स्टेट के पास थे, उन पावर को किसको देना है? अपने को लोकल गवर्नमेंट को देना है, जिससे उनको कोई अथॉरिटी मिले। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 23 है, द पंचायत हैज़ टू फेस अ बाई एनुअल आर एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू कंडक्टेड बाई द ग्राम सभा। तो पंचायत को साल में एक बार ग्राम सभा के कंडक्ट किए हुए एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू को फेस करना होता है। तो किस प्रकार का गुड एग्जाम्पल है? हाउ इज दिस रिव्यू अ गुड एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस? तो इससे क्या होता है, पंचायत जो है ना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होकर काम करता है, क्योंकि उसको भय बना रहता है कि ग्राम सभा जो है उसको वॉच कर रहा है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, इट मेक्स द पंचायत मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, द मैसेज ऑफ दिस कॉमिक कैन बी बेस्ड समराइज्ड एज। तो देखिए इस मैसेज में इक्वलिटी में क्या हुआ है, सबको यहाँ पे बराबर मिला हुआ है, लेकिन जिसको जितना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो जो छोटा है वो देख ही नहीं पा रहा है। और यहाँ पे इक्विटी है, देखिए यहाँ पे इसको ज़्यादा मिल रहा है ताकि पूरा देख सके, और लंबा तो देख ही रहा है, और इसको जितना ऊंचाई चाहिए उतना ऊंचाई मिल रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि दोज हु आर द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड शुड या डेलीगेट द मोस्ट हेल्प। कि जिनके पास सबसे कम है उनको आदर्श रूप में सबसे ज़्यादा हेल्प मिलना चाहिए, तो यही इसमें पता चल रहा है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब 25 नंबर देखते हैं, ये भी पैसेज बेस्ड है, क्वेश्चन 25 से 29। अब इसमें पैसेज है कि द टर्म लेबर डिनोट्स एनी फिजिकल और मेंटल वर्क डन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग कंसिड्रेशन। कि लेबर का मतलब होता है फिजिकल और मेंटल काम, जिसका मतलब होता है कि कंसिड्रेशन को ऑब्टेन करना। प्लेइंग अ गेम इज ऑल्सो फिजिकल एज वेल एज मेंटल वर्क, बट इट इज फॉर द इन्जॉयमेंट, सो इट कैन नॉट कम विद इन द प्रीव्यू ऑफ लेबर। तो गेम खेलना भी फिजिकल और मेंटल वर्क होता है, लेकिन ये इन्जॉयमेंट के लिए होता है, इसीलिए लेबर में नहीं आता। द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज नोन बाई डिफरेंट टर्म्स सच एज इनफॉर्मल सेक्टर, रिसिड्यूअल सेक्टर। और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उसको इनफॉर्मल सेक्टर और रिसिड्यूअल सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज अनरेगुलेटेड सेक्टर, और ये अनरेगुलेटेड भी होता है। दिस एम्प्लाइज दैट इनफॉर्मल वर्कर्स आर बियॉन्ड एनी रेगुलेशंस आर लेजिस्लेशंस पास्ड बाई द गवर्नमेंट। इसका मतलब होता है कि इनफॉर्मल वर्कर्स जो है ना वो किसी भी रेगुलेशन और लेजिस्लेशन जो गवर्नमेंट पास करता है उसके बाहर होते हैं। हेंस दे आर वर्किंग स्टेटस इज रियली कवर्ड बाई द लीगल स्टेटस। इसीलिए उनका जो वर्किंग स्टेटस है वो लीगल स्टेटस के रूप में कवर नहीं होता। द वेलफेयर एज वेल एज सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स अवेलेबल अंडर द कंट्रीज वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशंस लाइक फैक्ट्रीज एक्ट 1948, प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, द मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961, द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 एक्सेट्रा डू नॉट रीच टू दीज अनऑर्गेनाइज लेबर। इसी कारण जो सारे एक्ट हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर के पास नहीं पहुँचते हैं। दिस सेक्टर सफर्स एब्सेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर मेजर्स, नेगेशन ऑफ सोशल स्टैंडर्ड्स एंड वर्कर राइट्स, डिनाइबल ऑफ मिनिमम वेजेज एंड सो ऑन। जिसके कारण ये लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं, किसके लिए? सोशल सिक्योरिटी के ऊपर, वेलफेयर मेजर्स के ऊपर, और सोशल स्टैंडर्ड के नेगेशन के ऊपर, वर्कर राइट के ऊपर, यहाँ तक कि मिनिमम वेज भी इनको नहीं मिलता। फर्दर मोर इन द रिसेंट टाइम्स देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल शिफ्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ द लेबर फोर्स। लेकिन अभी अभी के समय में लेबर फोर्स के स्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। विच कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर
एंड कैजुअल वर्कर्स, और आज इनको आप सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर और कैजुअल वर्कर के रूप में क्लासीफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं। इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट इंडियाज़ लेबर मार्केट हैज़ बीन अंडरगोइंग ट्रेमेंडियस ट्रांसफॉर्मेशंस, इंक्लूडिंग ग्रोथ ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर एक्टिविटीज, डिटोरेशन इन द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन टर्म्स ऑफ जॉब सिक्योरिटी टर्म्स एंड कंडीशंस एट वर्क। तो इसमें हमको पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है लेबर मार्केट में भारत में, और जो ग्रोथ है इनफॉर्मल सेक्टर एक्टिविटी का, और साथ ही साथ जो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो कम से कम होते जा रहा है। द कंट्री इज करेंटली इन अ फेज ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ द फॉर्मल सेक्टर, और जो कंट्री है अभी इस फेज में है कि इनफॉर्मल बना रहा है उल्टा फॉर्मल सेक्टर को, माने फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल होते जा रहा है। वेयर द इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैज़ बीन इनफॉर्मल इन नेचर, और जो इंक्रीज हो रहा है एम्प्लॉयमेंट का ऑर्गेनाइज सेक्टर में इनफॉर्मल, मतलब ठेकेदारी में हो रहा है, एंड देयर हैज़ बीन अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, और धीरे धीरे जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है पूरे भारत में कम होते जा रहा है। क्वेश्चन 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर लाइकली टू बी फाउंड इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो वहाँ पे अनपेड लीव्स होता है, एक दिन में छुट्टी मारेंगे तो आपका लीव जो है ना, आपका वेतन जो है कट जाता है, तो यही सबसे ज़्यादा वहाँ पाया जाता है अनपेड लीव्स। अब क्वेश्चन 26 से देखते हैं, द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द अनरेगुलेटेड सेक्टर, दिस मीन्स दैट द एम्प्लॉयर्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को अनरेगुलेटेड सेक्टर भी बोला जाता है। तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयर जो है ना वो गवर्नमेंट के जो रूल हैं रेगुलेशन है उससे बंधे हुए नहीं होते, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, आर नॉट बाउंड बाई गवर्नमेंट लॉस दैट प्रोटेक्ट वर्कर्स, है ना। तो जो एम्प्लॉयर हैं ना वर्कर के प्रोटेक्शन के लिए जो गवर्नमेंट लॉस हैं उससे बंधे हुए नहीं होते, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन 27 देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी द कंट्री करेंटली इन अ फेज ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ द फॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर को इनफॉर्मल बताया जा रहा है, हाउ कैन दिस हैपन, तो कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि द कंट्री हैज सीन अ फॉल इन द फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट सिस्टम, कि जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट सिस्टम है उसमें गिरावट आते जा रहा है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन आवर कंट्री, तो इसमें टर्सरी सेक्टर का जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है हमारे कंट्री में, कौन सा जो है एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका ऑप्शन ए होगा, अ ग्रेटर डिमांड फॉर सर्विसेज, की सर्विस के लिए डिमांड जो है ना वो बढ़ते जा रहा है। बी जो बोलता है डिक्रीजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द अदर सेक्टर्स, द अदर सेक्टर का इम्पोर्टेंस डिक्रीज नहीं हो रहा है। सी है इंक्रीज द फॉर्मलाइजेशन ऑफ द सर्विस सेक्टर, ये भी नहीं है, और डी है ग्लोबल प्रेशर टू डेवलप द टर्सरी सेक्टर, ये भी नहीं है। क्वेश्चन 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लाइकली बी अ पार्ट ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन से इसमें आएगा, तो बोलता है स्ट्रीट वेंडर, हॉस्पिटल नर्स, फैक्ट्री वर्कर और ट्रैफिक पुलिसमैन, तो ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं, स्ट्रीट वेंडर जो है ना ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है। अब क्वेश्चन 30, ऑब्जर्व द फ्लो चार्ट गिवन बिलो, तो यहाँ पे फूड क्रॉप्स दिया हुआ है, फिर सेरेल्स है, राइस है, व्हीट है, सेरेल्स में ज्वार बाजरा रागी दिया हुआ है, विच विल कम इन द एम्प्टी बॉक्स, तो एम्प्टी बॉक्स में यहाँ पे क्या आएगा, ये जो है ना सब मिलेट्स हैं, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, मिलेट्स। क्वेश्चन 31 देखते हैं, व्हाट इज कॉमन बिटवीन प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में, तीन में कॉमन है बोथ आर लेबर इंटेंसिव, कि दोनों में लेबर जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ते हैं, है ना, अब बोथ रिक्वायर द यूज ऑफ मॉडर्न मशीनरी, ये तो कॉमन नहीं है क्योंकि मॉडर्न मशीनरी केवल इंटेंसिव फार्मिंग में होता है। अभी बोथ आर डन ऑन लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, तो जो सब्सिस्टेंस प्रिमिटिव फार्मिंग होता है वो छोटे लैंड पे होता है, तो भी नहीं होगा। बोथ रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ क्रेडिट, तो ये जो प्रिमिटिव फार्मिंग होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ क्रेडिट का जरूरत नहीं पड़ता, तो भी नहीं होगा। क्वेश्चन 32 है, लुक एट दिस पिक्चर ऑफ माहिर हु प्रैक्टिसेस ऑर्गेनिक फार्मिंग फ्रॉम हिज रूफ टॉप, तो यहाँ पे माहिर बताया हुआ है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है रूफ टॉप पे। व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू अबाउट माहिर, तो माहिर के लिए कौन सा जो है ना सबसे ज़्यादा ट्रू है, तो ये बोलता है कि ही डज नॉट हैव इनफ मनी टू बाई क्रॉप्स फ्रॉम द मार्केट, तो ऐसा तो नहीं पता चल रहा है क्योंकि अच्छे खासे घर में रह रहा है। बी ही इज प्रैक्टिसाइजिंग अ टाइप ऑफ फार्मिंग दैट इज इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, कि वो ऐसा प्रैक्टिस कर रहा है फार्मिंग का जो कि इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है, बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन 33 देखते हैं, रघु वाज एन इंडियन फार्मर ड्यूरिंग द 1950s, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स वुड
ही हैव विटनेस्ड इन द 1950s। तो रघु जो है एक इंडियन किसान है 1950s में, तो उसने क्या परिवर्तन देखा? तो उसने परिवर्तन देखा कि वहाँ पे जमींदारी सिस्टम जो है ना ख़त्म हो गया आज़ादी के बाद, इसका ऑप्शन डी होगा एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, क्योंकि उस समय बाकी टेक्नोलॉजी और जो किसान क्रेडिट कार्ड और ग्रामीण बैंक ये सब नहीं हुए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 34 है, कमल यूजेज हाई यील्ड वेराइटी HYB सीड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स टू इंक्रीज हीज व्हीट प्रोडक्शन, व्हिच टाइप ऑफ फार्मिंग इज कमल प्रैक्टिसाइजिंग। तो कमल कौन से टाइप का फार्मिंग कर रहा है? तो जो है कमर्शियल फार्मिंग कर रहा है, क्योंकि कमर्शियल फार्मिंग में ही हम लोग HYB सीड्स का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 35 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी यूरोप। तो कौन सा फॉल्स है फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी यूरोप में? तो इसमें ऑप्शन ए बोलता है, देयर वेयर पार्ट्स ऑफ यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड पावर। ये तो बिल्कुल सही है कि उस समय यूरोप में कुछ पार्ट में एरिस्टोक्रेसी जो है ना पावर को एंजॉय करता था। बी है, देयर वाज अ माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूलर टू अर्बन एरियाज, तो उस समय लोग जो है ना रूलर से अर्बन एरियाज में जा रहे थे, ये भी सही है। सी है, वुमेन इज ट्रेप्ड आउटसाइड देयर होम्स टू वर्क, तो उस समय वुमेन जो है घर से बाहर निकल रही थी काम के लिए, भी सही है। और डी है, द पॉपुलेशन डिक्रीज्ड ऑल ओवर यूरोप, तो जो गलत है क्योंकि उस समय पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा था ऑल ओवर यूरोप में, और इसी कारण जो है ना अर्बन की तरफ लोगों का माइग्रेशन हो रहा था, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन एथनिक ग्रुप दैट इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइजल्स इन द 16th सेंचुरी। तो ब्रिटिश आइजल्स में 16th सेंचुरी में कौन सा ऐसा एथनिक ग्रुप है जो कि नहीं रहता था? तो इसमें ऑप्शन ए बोलता है इंग्लिश, तो इंग्लिश तो सबसे ज़्यादा थे, स्कॉट्स थे भी, आयरिश भी थे, लेकिन ब्रिटिश नहीं थे, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 16 का ब्रिटिश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, हाउ डिड नेपोलियन ब्रिंग रिवोल्यूशनरी चेंजेज इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि नेपोलियन ने कैसे रिवोल्यूशनरी चेंजेज किए फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में? तो इसका ऑप्शन ये देखिए बोलता है कि एबोलिश्ड ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, कि उसने जो सारे के सारी चीज़ें जन्म से मिलती थी उसको ख़त्म कर दिया, ही उसका सबसे बड़ा चेंज था, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। बी, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी फॉर ऑल फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज, ये तो गलत है, ऐसा उसने नहीं किया था। इंक्रीज द एज ऑफ पीपल हु कुड बी एब्जॉर्ब्ड इनटू सेफर्डम, ये भी नहीं किया था। और डी, मेड ऑल मैन एंड वुमेन विथ प्रॉपर्टी इक्वल इन द आईज ऑफ द लॉ, तो ऐसा भी उसने नहीं किया था, तो इसका ऑप्शन ही करेक्ट है। अब क्वेश्चन 38 देखते हैं, व्हाट वॉज द पर्पज ऑफ रिप्लेसिंग द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड विद द फ्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन इन 1789। तो 1789 के फ्रेंच रिवोल्यूशन में जो फार्मर रॉयल स्टैंडर्ड था उसको नए फ्रेंच फ्लैग जो कि ट्राई कलर में था उसमें चेंज करने का मतलब क्या था? तो उसका मतलब था, ऑप्शन ए देखिए, कि टू एक योक लॉयल्टी टूअर्ड द नेशन इंस्टेड ऑफ अ किंग, जिससे जो लॉयल्टी है ना वो नेशन के लिए हो न कि किंग के लिए, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 39, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रीजन Why the government of India introduced a comprehensive land development program in the 1980s and 1990s? तो 1980s और 1990s में government of India ने एक comprehensive land development program क्यों शुरू किया था? तो ऑप्शन ए देखिए, to help farmers across the country as the earlier policies concentrated development in a few states only. तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि पूरे भारत के जो फार्मर हैं उनको हेल्प हो, और पहले क्या होता था कि केवल कुछ स्टेट के फार्मर के ऊपर ही पूरी की पूरी पॉलिसी जो है कंसंट्रेटेड रहती थी। अब आर देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माइट नॉट हेल्प इन द मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, इनमें से कौन सा जो है ना एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए हेल्प नहीं करेगा? तो ऑप्शन ए है, इम्प्रूविंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे तो जो एग्रीकल्चर है वो मॉडर्नाइज होगा। बी, स्टेबलाइजिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिससे भी ये जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज हो जाएगा। सी बोलते हैं, इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इससे जो है ना मॉडर्नाइजेशन पे काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ेगा अगर हम लोग इंक्रीज करें एक्सपोर्ट ड्यूटी को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर। और डी, इन्वेस्टिंग इन रिसर्च इन मेट्रोलॉजी एंड वेदर फॉरकास्ट, तो इससे तो बढ़ेगा। क्वेश्चन 40, अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट विच ऑफ दीज इज अ क्विक फिक्स फॉर फार्मर्स टू इंक्रीज देयर इनकम्स एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, तो कुछ इकोनॉमिस्ट के द्वारा कौन सा ऐसा जो है ना तेज गति या क्विक फिक्स है फार्मर के इनकम को बढ़ाने वाला और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को कम करने वाला? तो ये है, ऑप्शन ये देखते हैं, डाइवर्सिफाइंग देयर क्रॉपिंग पैटर्न अवे फ्रॉम सीरियल्स, सीरियल्स को छोड़ के भी उनको क्रॉप लगवाने के लिए प्रोत्साहित करना, डाइवर्सिफाई करना, तो इसका ऑप्शन एकदम करेक्ट है।
क्वेश्चन 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर एन एग्जाम्पल ऑफ ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है ना ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का एक एग्जाम्पल है। इसमें पी बोलता है कि द डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ लैंड एयर एंड लोकल वाटर रिसोर्सेज। तो ओवर यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का तो क्या होगा, डिग्रेड हो जाएंगे क्वालिटी जो होगा लैंड का, एयर का और लोकल वाटर रिसोर्सेज का। तो इसका ऑप्शन पी जो है ना करेक्ट है। क्यों देखते हैं, द मलयन टाइगर्स बीइंग क्लासिफाइड एज अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो ये जो मलयन टाइगर है उनको क्लासिफाई किया गया है क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए, तो इसका ये भी रीज़न है कि ओवर यूटिलाइजेशन हो गया रिसोर्सेज का, जंगल ख़त्म हो गया तो क्रिटिकली डेंजर्ड स्पीसीज में आ गए। तो 41 का क्या हो जाएगा, 41 का होगा ऑप्शन सी, बोथ पी एंड क्यू। क्वेश्चन 42 देखते हैं, तो 42 है द रिसोर्सेज फाउंड इन द मलाया पेनिनसुला एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ अफ्रीका कैन बी क्लासीफाइड एज बायोटिक एंड इन बायोटिक ऑन द बेसिस ऑफ। तो ये जो मलय पेनिनसुला है और वेरियस पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में जो क्लासिफिकेशन है बायोटिक और एबायोटिक का किसके बेस के ऊपर है, रिसोर्सेज में ते बेस है उनके ओरिजिन के ऊपर, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। तो बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग का एलिमेंट कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन ए बोलता है सम लॉस कैन बी पास्ड विद द मेजोरिटी फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। ये तो पावर शेयरिंग का एक पार्ट है क्योंकि वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट होता है। बी सेंट्रल गवर्नमेंट है जिन इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच मिनिस्टर्स। ये भी एक है कि उसमें इक्वल नंबर ऑफ डच और फ्रेंच मिनिस्टर होंगे। सी है स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द टू लिंग्विस्टिक रीजन्स इन्जॉय सम पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उनको पावर मिला हुआ है लिंग्विस्टिक ग्रुप के स्टेट गवर्नमेंट्स को। डी बोलता है कि टेरिटरीज बेस्ड ऑन लैंग्वेज वेयर एबोलिश्ड एंड पीपल वेयर इंकरेज्ड टू लिव अमंगस्ट ईच अदर। इसका डी जो है ना वो एलिमेंट नहीं है बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग का, कि लोगों के बीच के भाषा को ख़त्म करके या टेरिटरी को ख़त्म करके एक दूसरे के साथ रहने के लिए उनको इनक्रेज किया गया। क्वेश्चन 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। कौन से इसमें करेक्ट है एथनिक कंपोजिशन बेल्जियम का, तो बेल्जियम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आएगा बच्चों, आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। ये बोलता है 59% ऑफ पीपल लिव इन द फिलिमिश रीजन एंड स्पीक द डच लैंग्वेज। ये बिल्कुल करेक्ट है कि 59% जो लोग रहते थे फ्लेमिश रीजन में वो डच बोला करते थे। अब क्वेश्चन 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द थर्ड ईयर ऑफ डेमोक्रेसी इज फॉल्स। तो जो थर्ड ईयर है डेमोक्रेसी का उसके लिए फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, तो इसका ऑप्शन ये देखिए, 1/3 ऑफ ऑल पोजिशंस इन लोकल बॉडीज आर रिजर्व फॉर वुमेन। तो करेक्ट है कि जो एक तिहाई है वुमेन के लिए रिजर्व रहता है लोकल बॉडीज इलेक्शन में। बी बोलता है द स्टेट गवर्नमेंट रिटेन्स द पावर ओवर रिवेन्यूज फॉर द लोकल बॉडीज, है ना, जो स्टेट गवर्नमेंट होता है वो पावर रखता है रेवेन्यू के लिए लोकल बॉडीज के लिए। तो ही जो है ना वो जो है करेक्ट नहीं है, फॉल्स है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का अलग रेवेन्यू सोर्स होता है और लोकल बॉडीज का अलग होता है। सी बोलता है सीट्स आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडीज फॉर एसटीएससी ओबीसी कैंडिडेट्स, एक तो ट्रू है। और डी देखिए, इन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल द स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन, ये भी ट्रू है। क्वेश्चन 46 है, द पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट द स्टेट गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन। एनी चेंज टू इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास्ड बाई द बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विथ द एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी। तो जो पार्लियामेंट है ना वो खुद से चेंज नहीं कर सकता पावर शेयरिंग को यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच में खुद से। अगर कोई भी चेंज होता है तो सबसे पहले दोनों हाउसेस में पास होगा पार्लियामेंट में, और कम से कम उसमें 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए। अब क्वेश्चन है इसमें, विच फीचर ऑफ फेडरलिज्म डज द एवर स्टेटमेंट एडहियर टू। इसमें कौन सा फीचर फेडरलिज्म का ये जो स्टेटमेंट है वो बता रहा है, तो ये बता रहा है कि द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द फाइनल पावर टू सेटल एनी डिस्प्यूट बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको फाइनल पावर है यहाँ पे सेटल करने का किसी भी डिस्प्यूट को जो गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल में होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 47 पैसेज के ऊपर बेस्ड है कि ऑस्ट्रेलिया बिकेम ए नेशन ऑन 1 January 1901 व्हेन द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड लेजिस्लेशन एनेबलिंग द 6 ऑस्ट्रेलियन कॉलोनीज टू कलेक्टिवली गवर्न इन देयर ओन राइट एज द कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इट वॉज अ रिमार्केबल पोलिटिकल एकम्प्लिसमेंट दैट हैड टेकन मेनी ईयर्स एंड सेवरल रिफरेंडा टू अचीव। तो जो ऑस्ट्रेलिया है राष्ट्र बना 1 January 1901 को जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया लेजिस्लेशन जिसमें 6 ऑस्ट्रेलियन कॉलोनीज जो थे उनको कलेक्टिवली गवर्न किया जाना था खुद के द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया के नाम से,
और उस समय का एक रिमार्केबल पॉलिटिकल एकम्प्लिसमेंट था। अब क्वेश्चन देखते हैं कि फ्राम दिस वी कैन इन्फर दैट ऑस्ट्रेलिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इससे पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना किस प्रकार का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल है कमिंग टुगेदर फेडरेशन का, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो 5 कॉलोनी है आपस में मिलकर फेडरेशन बनाई है। क्वेश्चन 48 है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल डेवलपमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है नेशनल डेवलपमेंट के लिए सही है। तो इसका ऑप्शन ए देखिए, ओनली कंट्रीज विद अ वेराइड पॉपुलेशन विल हैव हाई नेशनल इनकम, कि जिस कन देशों में वेराइड पॉपुलेशन होता है वहाँ पे हाई नेशनल इनकम होता है, तो गलत है। बी देखते हैं, डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स में बी कन्फ्लिक्टिंग फॉर अ कंट्रीज डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है कि जो डिफरेंट डेवलपमेंट गोल होते हैं अलग अलग लोगों के, अलग अलग कम्युनिटी के, वो कंट्रीज डेवलपमेंट से कन्फ्लिक्ट करते हैं, एकदम सही है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 49 है, व्हाट जवाहरलाल नेहरू थॉट ऑफ अ टेम्पल्स ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, द डैम्स हैव ऑलरेडी डिस्प्लेस्ड 11 मिलियंस इंडियंस। तो जब जवाहरलाल नेहरू सोचा करते थे कि मंदिर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के डैम्स के, लेकिन डैम ने क्या किया है कि 1 करोड़ 10 लाख भारतीयों को डिस्प्लेस कर दिया अपने घरों से। व्हाट इज दिस एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स, ऑप्शन ए है। तो बिल्कुल इसी का एग्जाम्पल है कि देश का जो गोल है अलग है, राष्ट्र का गोल अलग है और लोगों का गोल अलग है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 50 है, एज ऑफ 2020 इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बट इज रैंक्ड लो इन पर कैपिटा इनकम। तो 2020 के हिसाब से दुनिया का 6वां बड़ा इकोनॉमी है भारत, लेकिन पर कैपिटा इनकम से बहुत नीचे है। व्हाट कैन बी द रीजन फॉर दिस, इसका क्या कारण हो सकता है, इसका कारण है हाई पावर्टी, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी है। क्वेश्चन 51 देखिए, बोलता है एब्सेंटिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक इंडिकेटर्स अप टू व्हाट एक्सटेंट द एजुकेशनल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर मेट बाय स्कूल्स, इफ़ द स्टूडेंट्स आर टर्निंग देयर बैक ऑन द एजुकेशन दे आर प्रोवाइडेड इट मीन्स दैट वी नीड टू आस्क अवर सेल्स इज समथिंग हैपनिंग इन अवर स्कूल्स एंड क्लास रूम्स दैट डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम एजुकेशन, कि जो बच्चे हैं वो जाते नहीं हैं स्कूल, अब्सेंट रहते हैं भारत में, ये जो है सबसे बुरा इंडिकेटर है, क्योंकि वो क्यों एजुकेशन में जाना नहीं चाहते या पढ़ने जाना नहीं चाहते। अरे हमको एक क्वेश्चन पूछने के लिए विवश करता है कि जो स्कूलों में सिखाया जा रहा है, जो क्लासरूम में हो रहा है, क्या बच्चों को एजुकेशन से दूर कर रहा है। ये एक रिसर्च है सर्ट एंड कूपर का 2015 का, और सोर्स है इंटरनेशनल जनरल ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन है, द रिसर्चर्स आर मोस्ट लाइकली रिफरिंग टू द फैक्टर्स दैट अफेक्ट, रिसर्चर किस फैक्टर को सबसे ज़्यादा यहाँ पे बता रहे हैं जो कि अफेक्ट कर रहा है। ये बोलता है एवरेज इनकम, तो ये भी उनका जो है ना एवरेज इनकम से कोई यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। अभी बोलता है यहाँ पे नेट अटेंडेंस रेशियो, इसी के बारे में बता रहे हैं कि कितने बच्चे जो है ना अटेंडेंस देते हैं, अटेंड रहते हैं, और सी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके ऊपर कुछ नहीं बता रहे हैं, और डी है नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको भी नहीं बता रहे हैं। क्वेश्चन 52 है, ऑन द मैप गिवन बिलो द 4 टेरिटरीज हुज डिफिटेड नेपोलियन आर मार्क्ड एज पी क्यू आर एंड एस, किस मैप में 4 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने नेपोलियन को हराया है, उसका मार्किंग है पी क्यू आर एस के रूप में। तो यहाँ पे पी जो है ब्रिटेन है, क्यू ऑस्ट्रिया है, आर प्रूसिया है, और एस रसिया है। विच वन ऑफ देम हैज बीन मार्क्ड इनकरेक्टली, तो इसमें इनकरेक्टली मार्क्ड कौन कौन से हैं, तो हमने पढ़ा है कि एक ऑस्ट्रिया है और प्रूसिया है, ये जो है ना इनकरेक्टली मार्क्ड हैं, इन्होंने नेपोलियन को नहीं हराया था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्यू एंड आर। अब क्वेश्चन 53 है, लुक एट द मैप गिवन बिलो शोइंग द लोकेशन ऑफ फ्यू रिवर डैम्स इन इंडिया, इसमें से रिवर डैम बताया गया है ना, पी जो है सरार प्रोजेक्ट है, क्यू जो है भाखड़ा नांगल डैम है, आर टेहरी है, और एस सरदार सरोवर डैम है। अब क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच वन ऑफ देम हैज बीन मार्क्ड इनकरेक्टली, तो इसमें से इनकरेक्टली मार्क्ड कौन सा है, तो यहाँ पे एस वाला देखिए, एस को सरदार सरोवर डैम जो कि गुजरात में है उसको यहाँ पे राजस्थान में दिखाया गया है ना, तो यही इनकरेक्टली मार्क्ड है। तो देखते हैं ये ऑप्शन किस में होगा, तो ये डी होगा, इसका ऑप्शन डी 53 का।